हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएफ में स्कीम सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, वो भी मोबाइल से। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले गूगल पे हम मेंबर होप टाइप कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए नीचे फर्स्ट ऑप्शन आएगा, इस पर फ्रेंड हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फ्रेंड यूएन नंबर पासवर्ड टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए नीचे कैप्चा कोड है, टाइप करके फ्रेंड इसको हम साइन इन कर लेंगे। फ्रेंड उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फ्रेंड देखिए नीचे लेटर दे रखा है, इस पर फ्रेंड हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद देखिए यहाँ पे चार पांच ऑप्शन आएंगे, होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विस। फ्रेंड जो है लास्ट में ऑप्शन दे रखा है ऑनलाइन सर्विस का, इस वाले ऑप्शन में फ्रेंड हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद देखिए यहाँ पे चार पांच ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे फ्रेंड यहाँ फर्स्ट नंबर पर दे रखा है क्लेम फॉर्म, इस वाले ऑप्शन फ्रेंड हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद देखिए जो भी हमारी प्रोफाइल डिटेल है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट नंबर दे रखा है, इसके आगे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें फ्रेंड हम अकाउंट नंबर डाल देंगे जिस बैंक में हमारा अकाउंट है और जिससे केवाईसी हो रखी है, ये डाल के फ्रेंड इसके नीचे देखिए वेरीफाई दे रखा है, इस पर फ्रेंड हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद देखिए इससे का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर येस और नो पूछ रहा है तो फ्रेंड इसको हम येस कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद देखिए यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड देखिए नीचे दे रखा है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो फ्रेंड इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड देखिए उसके बाद यहाँ पे हमें नीचे जाना है, जहाँ पे लिखा है आई वांट टू अप्लाई फॉर, इसका आगे फ्रेंड जो सर्कल बना हुआ है इस पर फ्रेंड हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद देखिए यहाँ पे चार पाँच ऑप्शन आ रहेंगे, फॉर्म 19 आ गया, फॉर्म 10C आ गया, फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट आ गया, फॉर्म 10D आ गया, फॉर्म 31 आ गया। फ्रेंड अब यहाँ पर हमें स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो फ्रेंड यहाँ पर हम जो फॉर्म 10C के आगे सर्कल बना हुआ है इस वाले ऑप्शन में फ्रेंड हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे फ्रेंड स्कीम सर्टिफिकेट हम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हम नीचे अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो भी हमारा एम्प्लॉय का एड्रेस है वो डाल के नीचे फ्रेंड हमें पिन कोड डाल लेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे नीचे आना है। फ्रेंड नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, इस वाले बॉक्स पर फ्रेंड हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दे रखा है गेट आधार OTP, तो फ्रेंड इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके नंबर पे OTP सेंड हो जाएगा। फ्रेंड ये देखिए आपके नंबर पे OTP सेंड हो गया है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हम नीचे OTP डाल के इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे नीचे वैलिडी OTP पे हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड हमारा ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। अब फ्रेंड इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड देखिए क्लिक है लिखा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड देखिए जो भी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारे सामने आ गया है। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी PFESI से कोई भी अपडेट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड अगर किसी को ESI PF में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर दें, या फ्रेंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी।